मैं रोहित यादव पत्रकार कोटपुरा फरीदकोट अज असी खड़े भारतीय जनता पार्टी के सूबा सकत्र सुनीता गर्ग के घर के सामने जिथे भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां वालों पिछले 76 दिनों तो जिहड़ा हैगा इत्थे धरना दिता गया है खेती कानूनां नूं खत्म करवाउण दा। ते अज इन्हां दा मकसद हैगा अज डीसी दफ्तर अगे जाके धरने देने हैं उत्थे फरीदकोट। ते अज इन्हां दे संबंध विच असीं गल करांगे अज जिहड़े इत्थे मौजूद ने इन्हां दे आगू। किन्ने दिन हो गए तो की अगे प्रोसैस है सानू? अज जी 75वां दिन हो गया इत्थे सुनीता गर्ग दे बाद धरना लाए नूं जी। साडा जी धरना लाना कोई शौक नहीं गा, असी सिर्फ जो आर्डीनेंस 8 कानून बनाए गए आ उन्होंने वापस कराने वास्ते धरने लाए आ। तो जेकर ये कानून वापस हो जाए तो असं आप अपने घर चले जाएंगे, असं इतने बैठ के की करना। तो जो सानू इतने बहना पै रहा इन्नी ठंड के विच साढ़े बजुर्ग साढ़िया माइया भैन जिहड़ियां इतने बैठिया उन्होंने बड़ा मुश्किल आ। ये सरकार एक पासे तो कोरोना की आड़ करी जाते हैं, कोरोना बीमारी फैल चुकी है दोबारा फिर आई है, जे इन्हों इन्ना ही खतरा साढ़े आर्डीनेंस वापस लैन तो असं भी आपके घर देंगे तो सानू कि खतरा नहीं, असं भी तो खतरे ही बैठे हैं। पर इन्हों इस गल नहीं कि जो मरदा मरे किसान तो मारना ही चाहते हैं। दफ्तर अगर बस 10-20 मिनटों चाला मारना जी इतों फरीदकोट विखे जावे। तो जे ये कानून मतलब इन्नी दिक्कत आ रही है कानून तो उन्होंने बार बार गलबात करने भी कही मतलब केंद्र सरकार के मंत्रियों ने, तो उन्होंने बारे की केंद्र सरकार के जो मंत्री है वह सिर्फ गलबात कोई नहीं करते, वह सानू एक समझाते हैं भी थोनों इन्ह कानून बारे समझ नहीं आएगी भी ये कानून किसान के लाहेबंद वास्ते आ। जो असी लाहा लेने नहीं चाहते तो यह सानू लाहा धक्के क्यों देंगे, कानून वापस ले लैन। असी जो मानते नहीं भी असी लाहा लेना, सानू लाहा लगता ही नहीं लाहा लेने, साढ़े लाहेबंद नहीं है ये। तो जो इन्हां दे पिट्ठू ने पिछे अडानी तो अंबानी जिन्हां दी आखे चलते आ कहने चलते हैं तो उन्हां दे लाहे वास्ते आ, ये व्यापारियों का लाहा करते ना कि किसानों का लाहा करते। किसान कोई ये तो है नहीं गा भी इन्हूं पता नहीं गा, इन्हां ने उस कोरोना की आड़ आप लागू कर देंगे, पर जो पता लग्या तो हुण अज जो दिल्ली के संघर्ष है एड्डा वड्डा संघर्ष चल रहा तो हर एक वर्ग उत्थे इकट्ठा होया, तो किसी यह तो है नहीं भी कल किसान के पक्ष का रह गया, ये हर एक वर्ग में ही मारन वाला। ये पिछले 76 दिनों तो इतने धरना लाया हुआ सुबह 77 भाजपा जनता पार्टी के जो है सुनीता गर्ग कि इन्ने दिन एक बार भी आए नहीं सानू इन्होंने कोई पूछा नहीं गा, इन्होंने साढ़े को पुछना कि सानू समझाते हैं तो असं नहीं समझते। जे आए तो आपका इस्तीफा दे के आन साढ़े नाल मगर हो के बैठ जाए फिर तो असं को सदांगे, नहीं असं किसी भी राजनीतिक पार्टी को साड़ी गुराह जथेबंदी नहीं बैठन दी ना स्टेज पर बोलने दी, असं नहीं किसी को आने देंगे। जिमें कई बार देखने आया भी जोड़ा है भी धरना लाया गया भी ये तो वो पब्लिसिटी हो रही है भी ज़्यादा मतलब प्रसिद्धता हासिल हो रही है उन्होंने घर के अगर इन्ना धरना लगे जिसे इतने नहीं बाहर नहीं जाता भी वो भी जानने लगे भी कि जानबूझ के लगाया गया कि मतलब किसी भी शहर से मतलब नहीं जी। असी तो जो सानू साढ़े सूबा कमेटी ने हुक्म दिता असी तो उस थान धरना जाके लाना, सानू कहा गया भी यह पंजाब के जनरल सकत्र ने भी तुम उत्थे जाके लाओ धरना, असी तो लाया। तो जो ये भाजपा के है तो असी इन्हों बार चाहना ही सूबा सकत्र ने उन्होंने घर अगर धरना लग्या तो अगे भी यह ज जारी रहेगा तो अज इन्होंने डीसी दफ्तर भी धरना लगाना है। मैं रोहित यादव पत्रकार कोटपुरा। अज जिला फरीदकोट की मैडिकल प्रैक्टिशनर एसोसीएशन भी जोड़ा है इन्हों के साथ दे रही है, इन्हों का भी की कहना आप इन तो भी पूछ लें अजक। सत्या जी सर की नाम है थोड़ा? डॉक्टर करम सिंह जी। अच्छा तो अच्छे अगुवाई में भी इन्होंने साथ दिता जा रहा है? हाँ जी, क्योंकि अगे भी दसिया कि असं किसानों के पुत हैं, असी भी किसान हैं, तो इस करके जो ये काले कानून पास किए गए है जो साढ़े ढिड की लत मारन वाली गल है, साढ़े बच्चों के मूँह चो रोटी खाने वाली गल है, ये मोदी सरकार ने की है कोविड घराणिया के उन्होंने जो उन्होंने देन वास्ते, सो इस करके वो अपनी सरकार को मुख रखते हुए, क्योंकि सारे पता है कि जो ये सरकार बनी है दो बार ये जो कोरपोरेट घराने हैं उन्होंने शमूलीत करके बनी है, इस करके उन्होंने जो उन्होंने आपजी के देना चाहते हैं साड़िया जमीन देनिया चाहते हैं, असं कदे भी जमीन पर पैर नहीं धरन देवे चाहे सू कोई भी कुरबानी करनी पवे, क्योंकि पंजाब नाल सदा ही धक्का हों, जिमीदार धक्का हों, जो MSP जी गल करते हैं
वो बिहार के 2006 तो लैके उ लागू है तो वो उत्थे 800-900 जो झोना बेचता है उही झोना इतने लिया के 1800 वेचा जाता है। तो वो बाहरले मुल्क भी यूरोप के अमरीका कनेडा उन्होंने एक कानून लिया के वेख ली उत्थे वो फेल हो चुके हैं किसान। सो तां करके वो भी इस जो किसानी संघर्ष है वो मदद कर रहे हैं बाहरले मुल्क भी। सो ये सरकार को समझना चाहिए जो इन्हां मंगां वो जल्द तो जल्दी मंगनियां चाहिए और जो ये काले कानून है वो वापस।